पहले हमें अवन का मेजरमेंट लेना होगा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अवन रखा हुआ है, अवन का ये फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले हम अवन की ये जो चौड़ाई है वो देख लेंगे। तो यहाँ से रखेंगे मेजरिंग टेप को यहाँ तक, तो ये आ रहा है हमारा 19 इंचेस पे। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट से लेके बिल्कुल बैक पार्ट तक हम एक मेजरमेंट लेंगे। तो ये हैंडल के पास से मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मेजरमेंट करते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो देखिए पीछे तक ये आ रहा है 24 इंचेस पे। 24 इंच को हम यहाँ बिल्कुल मिडिल में रखेंगे, क्योंकि अवन के बैक पार्ट में मशीन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो यहाँ से फिर हम बिल्कुल नीचे तक एक दूसरा मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये आ रहा है हमारा बिल्कुल 37 इंच पे, बिल्कुल फ्लोर तक हमने रखा है इसे। फ्रंट पार्ट से लेके ऊपर और पीछे तक हमने एक मेजरमेंट ले लिया है, जिसे हम एक ही पीस में कट करने वाले हैं। अब साइड के दो पीसेस हमें अलग अलग कट करनी है, तो इसका भी हम मेजरमेंट ले लेंगे। तो साइड की हम मेजरमेंट के लिए यहाँ पे मेजरिंग टेप को रखेंगे और बिल्कुल नीचे तक एक मेजरमेंट लेंगे। ये आ रहा है 11 इंच पे। और इसी तरीके से हम ये चौड़ाई देख लेंगे इसकी, तो ये आ रहा है 12.5 इंच पे। ये सारे मेजरमेंट को पहले पॉइंट आउट कर लिया। तो देखिए ये नीचे की तरफ से हम अपनी मार्किंग करेंगे अवन की कवर की, जो कि फिनिशिंग है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब जो फ्रंट से लेके बैक तक हमने मेजरमेंट लिया है वो है 37 इंच। एक तरफ से हमें सिलाई नहीं करनी, दूसरी तरफ से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्ड करने के लिए। तो 37.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, जो कि हमारा यहाँ आ रहा है। तो देखिए हमने ऊपर की तरफ 37 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो है 19 इंच, एक इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई करने के लिए। तो यहाँ 20 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस साइड से भी हमने 20 इंच पे एक निशान लगा लिया। अब इसको हम कट कर लेंगे चारों तरफ से। तो साइड के पीस के लिए देखिए हमने मेजरमेंट किया था, जो लेंथ वो था 11 इंच पे, और यहाँ पे हम 12.5 इंच पे एक निशान लगा रहे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ से एक इंच सिलाई में जाएगा और ऊपर की तरफ से हमारा हाफ इंच। तो यहाँ पे 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब इसी तरीके से जो चौड़ाई है वो 12.5 इंच है, तो यहाँ भी हम एक इंच एक्स्ट्रा रख के यानी कि 13.5 इंच पे ये कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से भी इसको हम कट कर लेंगे और इसके हमें दो पीस कट करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने तीन पीस कट कर लिए हैं। ये दोनों पीस हमारे एक साइज के और ये एक बड़ा वाला पीस है जो कि बिल्कुल बीच में रहेगा। अब इसमें हम साइड वाले पीस को अटैच करेंगे। तो इसके लिए पहले हम निशान लगाएंगे। तो हमने जब अवन का मेजरमेंट लिया है उसमें हमने फ्रंट पार्ट की जो लेंथ रखी है वो थी हमारी 11 इंच। तो पहले एक 11 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद जो दूसरा मेजरमेंट ऊपर की तरफ से जो हमने लिया था वो था 12 इंच, तो एक 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से इस साइड भी हम एक निशान लगा लेंगे, एक 11 इंच पे और दूसरा 12 इंच पे। जो हमने साइड का पीस कट किया हुआ है उसका एक पीस लेंगे और इस तरीके से पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हाफ इंच ऐसे हम एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये और ये जो पीछे वाला है फिर इसको एक साथ ऐसे हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी एक पीस रखेंगे और इसे साथ में अटैच कर लेंगे। दोनों साइड हमने छोटे वाले पीस को अटैच कर लिया है। अब आप देखिए ये जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है इसमें दोनों साइड ऑलरेडी फिनिशिंग है, तो बस हमें इसे साइड की सिलाई इस तरीके से हाफ इंच फोल्ड करके लगा लेनी है और इसको हमें फिनिशिंग देना है। उसके बाद देखिए ये वाला किनारा और उस पीस का भी वो वाला किनारा ऑलरेडी फिनिशिंग है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब ये रहा बैक पार्ट का, तो बैक पार्ट में ये वाला जो दोनों पीस है इसको हम एक साथ अटैच कर लेंगे और इसी तरीके से उस साइड भी दोनों को हम एक साथ अटैच कर देंगे ऐसे इस शेप में। अटैच करने के बाद एक साथ हम नीचे की पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे पीछे वाले हिस्से में और इसको कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए कवर में हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है और पीछे की तरफ भी हमने इसको एक साथ अटैच कर लिया जैसा कि मैंने बताया है। अब हम नीचे की भी फिनिशिंग लगा लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। ओवन कवर हमारा बनकर के तैयार है और इसे हम अपने वाला हिस्सा है उसे हमने दोनों साइड से खुला छोड़ा है क्योंकि हमें इसे आगे में जब हम यूज करेंगे तो हैंडल इजिली खोल सके और बंद कर सके इसके लिए। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से ओवन कवर हो चुका है। तो देखिए चारों तरफ से ओवन कवर हो चुका है और जब आपको ओवन का यूज करना हो तो आप इसके फ्रंट वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर करके इजिली से यूज कर सकते हैं ओवन को। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और फ्रेंड्स आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए कौन सा लेकर आए। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, रिलेटिव्स में। अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।